हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी सुबह के टाइम में हो रहा है टाइम 8:30 का, आई थिंक कि 9 बजने वाले हैं। और मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा हुआ है और मैं भी रेडी वेडी हो गई हूँ। मैंने न्यू सूट पहना हुआ है जो कि कुछ ऐसे है, और हाथ में मेरे है जग और कढ़ाई, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर और मंदिर पर चढ़ाना था कढ़ाई, तो 3 कढ़ाई चढ़ाना है। 3 कढ़ाई नहीं चढ़ाना है, मतलब कि 3 जगह पूड़ी और हलवा बना के चढ़ाना है। 2 मन्नत है और एक जो भाई का जने हुआ था उसके बाद से मंदिर पे मतलब कढ़ाई वढ़ाई चढ़ता है, तो नहीं चढ़ा था। तो जा रहे हैं, मम्मी चली गई हैं भाई के साथ, बड़े वाले बाबू के साथ बाइक से, और मैं, सिस्टर और छोटा वाला बाबू जा रहे हैं लोग पैदल। तो देख सकते हैं व्यू कितना ओसम हुआ है। और अभी खेतों में ना रुपाई का काम चल रहा है, तो बहुत ही ग्रीन है। अभी जब इसकी जुताई हो जाएगी, फिर नए जब धान के पौधे लगेंगे ना, तब खूबसूरत हो जाएगा। और अभी तो थोड़ा सा कमी है, क्योंकि घास वाला अभी खेत है। अभी धान की रुपाई होगी, उसके बाद से फिर अच्छा वाला हो जाएगा। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कॉमेंट करके बताइएगा मुझे। फुल लुक अभी मंदिर पर चल के आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसका दुपट्टा मुझे बड़ा ही पसंद है, थोड़ा सा तो मोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो फ्रेंड, मैं आ गई थी मंदिर पे, और मंदिर पे आने के बाद ना मैंने बहुत ही पूरा मंदिर का टूर नहीं करवाया आपको, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने वहाँ का मंदिर दिखाया, अपने गांव का मंदिर ये वाला दिखाया है, तो मैंने थोड़ा सा ही बस शूट किया था। ये तो हमेशा दिखाया बस आप लोगों के लिए। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बना रहे। आप लोग जहाँ भी हो खुश रहो, मेरी फैमिली हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो मेरा दिल से ये प्रे रहता है कि आप लोग खुश रहो हमेशा। और यहाँ पे सिस्टर ने पूड़ी बेल दिया था, सारी पूड़ियाँ मम्मी ने निकाल ली थी, अब हलवा बनेगा, और हलवा बनाने के बाद फिर प्रसाद चढ़ेगा। तो हलवा भी बन गया था, और यहाँ थाली में सब कुछ रखा गया था जो जो चढ़ाना था पूड़ी। बस माता जी के स्थान पे ही दो दो पूड़ियाँ हलवा चढ़ाना था, और एक और जगह है वहाँ पे चढ़ाया जाता है एक पूड़ी। तो मम्मी ने पूड़ी हलवा और ये सब सारा पूजा का निकाल लिया था, फिर पानी लेने गई थी सिस्टर, उसके बाद से मम्मी आ गई थी पूजा करने। और मम्मी भी मेरी पहले से काफ़ी दुबली हो गई हैं, जैसे कि मैं अभी मम्मी को यही बोल रही थी कि कितनी दुबली लग रही हैं आप वीडियो में। तो मम्मी यहाँ पूजा कर रही थी, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, और मैं बिल्कुल भी पता नहीं क्यों मेरा सब सुबह सुबह से ही एक फेस पे ना एक वो होता है, भूल गई सॉरी। तो यहाँ सिस्टर भी आ गई थी, और सिस्टर आ गई थी, पूजा कर रहे थे दोनों लोग, और मैं यहाँ पहले ही पूजा वूजा जो करना था कर ली थी। और मैं बताऊँ अपनी रियलिटी, तो मुझे जब मन होता है, सच्चे मन से मुझे मन होता है कि मैं पूजा करूँ, तभी करती हूँ। मैं दिखावे वाली पूजा कभी नहीं करती हूँ, और ये मेरे घर में कई लोग को बुरा भी लगता है, जैसे मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को। तो ऐसा नहीं है, जब मेरा मन होता है तभी मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ हम लोग आ गए थे पूजा करने, और यहाँ राधा कृष्ण जी का जो मूर्ति है वहाँ पे पूजा कर रहे थे। नंबर वाइज जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, जितने भी स्थान हैं देवी देवताओं के, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी, राधा कृष्ण, माता जी, शनिदेव, सबके मंदिर पे हम लोग गए और पूजा कर लिया। और पूजा करने के बाद हम लोग घर आएंगे। और सुबह में ही हम लोग चले गए थे ना, तो खाना वाना कुछ भी घर पे नहीं बना था, और पापा को घर पे अकेले छोड़ के गए थे। तो पापा को मेरे जैसे शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको भूख जल्दी लग जाता है, पता है शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं ना उनको भूख लग जाता है। तो अब वहाँ 10:30 हो गया था, तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी जल्दी करके चले घर पे, क्योंकि घर जाने के बाद खाना भी बनाना था। तो था कि पूड़ी हलवा है, तब तक प्रसाद खा लेंगे, तब तक हम लोग फटाफट से कुछ ना कुछ बना देंगे आके घर पे। तो यही फटाफट से पूजा हो गया था, सारा कुछ हो ही गया था, और लेट हो गया था सुबह जाने में मंदिर। तो यहाँ मंदिर से पूजा वूजा करके मैं घर आ गई थी, और यहाँ मैं बना रही थी जो एक आता है ना, उसको हम लोग ना बंडा बोलते हैं, आप लोग के वहाँ क्या बोलते हो बताना आप लोग। ये जो होता है लौकी के साइज़ का होता है, और ज़मीन में जो होता है बंडा ही बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो उस वाली सब्ज़ी में जब आप ना अजवाइन का तड़का देंगे पंचफोरन के साथ, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये वो है, और बंडाई बोलते हैं हमारे वहाँ। तो इसको कट कर लिया था, अभी धुला नहीं गया था। फिर इसमें मैंने डाला है लहसुन की पत्तियाँ, लहसुन था लेकिन पत्तियाँ भी अवेलेबल थी मेरे घर पे, तो मैंने पत्तियाँ डाल दी। और इसके बाद मैं डाली हूँ लहसुन थोड़ा सा है इसमें प्याज के साथ, और प्याज इसको अच्छे से भून लूँगी, फिर सब्ज़ी को भून के मसाले भून लूँगी, और मसाले में थोड़ा सा सरसों, धनिया, मिर्चा, जीरा, थोड़ा गर्म मसाला, ये सब मसाले जो थे मतलब रेगुलर सब्ज़ी वाले मसाले, उसमें थोड़ा सा सरसों का दाना पीसा गया था,
और यहाँ पे सब्ज़ी धुल के मैं डाल दूँगी इसमें और फटाफट से मसाले डाल के अच्छे से भून लूँगी। और जब लेट हो जाता है और पता रहता है ना कि फैमिली में किसी ने किसी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी होगी, तो खाना बनाने में ना दिमाग काम नहीं करता है। फटाफट से मैंने बना लिया था, वीडियोज़ मैंने नहीं शूट करी थी इसके बाद से कुछ भी, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज करना था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम का टाइम हो गया, वीडियो मैंने सुबह में स्टार्ट किया था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहले तारीख वाले में 1 जुलाई की वीडियो में बताया था कि मैं आप लोग के चैनल को प्रमोट करूंगी। जो भी छोटे क्रिएटर हैं जिनके सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं और जो भी मेरे DM आते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके चैनल को मैं सपोर्ट करूंगी। तो दो चैनल कौन कौन से हैं मैं आज प्रमोशन करने जा रही हूं उन चैनल का, और उन चैनल का लिंक मैं दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेम के साथ। तो दोनों चैनल को ज़रूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो अगर 400 लोग 500 लोग देख रहे हैं और 50 लोग भी अगर जाके सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल को, तो थोड़ा सा और छोटा सा सपोर्ट ज़रूर होगा। भले ही छोटा सा ही, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, वही वाली बात हो गई है। तो चलिए दो चैनल कौन कौन से हैं बातें कर लेते हैं उन चैनल की। और सबसे पहला चैनल है ब्यूटी जागृति मिश्रा। तो इनका चैनल मैंने देखा और इनका DM आया हुआ था मेरे इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले इन्होंने किया था। और जो लोग भी आगे मुझे DM करके रखे हैं या फिर मुझे YouTube पे लिंक दिए हुए हैं, तो मैं सारे लोग का चैनल करूंगी। लेकिन आप लोग को ना एक सब्र रखना होगा, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन वीडियो लाऊंगी, तो हर दूसरे दिन दो चैनल होंगे। तो मैं जिस हिसाब से मुझे रिक्वेस्ट आया, जिस हिसाब से मेरे पास लिंक आया, उस हिसाब से मैं चैनल को देखूंगी और प्रमोशन करूंगी। क्योंकि ना जब भी मैंने वीडियो 1 जुलाई वाली अपलोड करी थी शाम को 8:30 बजे, तो 9:30 बजे तक मेरे पास 55 लिंक आ गए थे मेरे इंस्टाग्राम पे, 55 लिंक। और मेरे व्हाट्सएप पे जो भी लोग कनेक्ट हैं, छोटे क्रिएटर हैं, जो मतलब कि जो भी मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो उनका आ गया था। फिर यूट्यूब पे भी बहुत लोग का आया था, मेल आ गया था। तो इसके नाते मैं सारा कुछ एक बार तो हैंडल नहीं कर सकती, और आप लोग को पता है कि सब कुछ मैं ही देखती हूँ अपने चैनल का। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है जो मेरी चैनल को मतलब कि हेल्प में, जैसे वीडियो एडिट शूट और अपलोड करता हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज में टाइम लगता है। तो दो चैनल जो मेरे पास सबसे पहले लिंक आए हैं, उनका नाम है, पहले चैनल का है ब्यूटी जागृति मिश्रा। तो इनके चैनल पे देखिए, मैं जो वीडियो में मैं रहेगा मैं वही बताऊंगी। और इनका चैनल है ब्यूटी जागृति मिश्रा, यहाँ नाम मेंशन कर दूंगी और उनका चैनल का यहाँ पे वो लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, और इनका लिंक दे दूंगी मैं, इनका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इनके चैनल पे बताते हैं क्या क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इनके चैनल पे अधिकतर अभी रिसेंटली के ब्लॉग दिख रहे हैं। पहले तो इनका 2 दिन पहले का वीडियो दिख रहा है, फिर उसके बाद 1 वीक पहले का वीडियो दिख रहा है, फिर 2 वीक पहले का दिख रहा है, फिर 1 मंथ। तो अभी स्टार्टिंग का मैं बताऊँ ना, तो इनके चैनल पे टोटल वीडियोस तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ना रेगुलरली नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग रेगुलर रहो। रेगुलर का क्या होता है कि अगर आप पर डे वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हो, तो हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करो। अब मेरा कहा, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन जब तक आप रेगुलर नहीं रहोगे, तब तक आपका चैनल ग्रोथ नहीं होगा। और जब तक आप ढंग से काम नहीं करोगे, आप कुछ भी उठा के डाल दोगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ये होता है ना, चैनल देखने के बाद पता होता है कि कैसा रिच मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, तो ये रातों रात वायरल होने वाला चैनल नहीं है हम लोग का धीरे धीरे होता है। तो इसके लिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनके कुछ शॉर्ट वीडियो हैं एंड कुछ ब्लॉग्स हैं जो कि कुछ पहले के हैं। ब्लॉग्स थोड़े कम हैं, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, गैप बहुत जागृति दी आपने लिया है, तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है कि आप रेगुलर डालो। बाकी मेरे तरफ से जो सपोर्ट हो रहा है मैं आपको कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से अपना काम रेगुलर करो और रेगुलर ब्लॉग्स डालो, या फिर शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो आप तो रेगुलर डालो। तो पहला चैनल ए है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर जाके जागृति दी को आप लोग सपोर्ट करिएगा। एंड दूसरा चैनल है नीतू ब्लॉग्स करके। तो नीतू ब्लॉग्स जो हैं अभी रिसेंटली आई हैं यूट्यूब पे, और कुछ टाइम पहले ही आई हैं, 2-4 मंथ पहले का मैंने देखा था। उनके चैनल पे मात्र 3-4 ब्लॉग्स हैं एंड शॉर्ट वीडियो हैं। तो शॉर्ट वीडियो का क्या है कि आप रेगुलर रहो, उस पर भी रेगुलर नहीं है। नीतू आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर रहें। और जितने भी लिंक मुझे मेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आए हुए हैं, तो उनका चैनल मैंने मतलब 10-15 वीडियोज़ मैंने क्लिक करके वहाँ से लिंक के थ्रू जाके चेकआउट किया है। तो अब
मैं ये मुझे दुख होता है कि आप लोग कहते हो प्रमोशन कर दो प्रमोशन कर दो, और प्रमोशन करने जाओ तो आपके चैनल पे मेहनत ही नहीं होगी, आपके चैनल पे वीडियोस ही नहीं होंगे, तो मैं किस तरह से प्रमोशन करूँगी। तो आप लोग पहले तो रेगुलर हो जाओ, जितने लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जिनका भी चैनल मैं आगे प्रमोशन करूँगी उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर अपने चैनल पर हो जाए, तभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिना मेहनत के ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कुछ भी हो, डेली हमको रहना होगा। और डेली रहने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कभी एक मंथ में वीडियो एक डाल दिया और चुपचाप पड़े रहे कि अब वायरल होगा, अब वायरल होगा। वीडियो वायरल होने का क्या मतलब है कि 10 वीडियो आपने बना दी, 10 में से, मतलब मैं सपोज दैट बता रही हूँ, 10 वीडियो आपने बना दी और 10 वीडियो में से आपकी 10वें नंबर की अगर वीडियो रैंक करी, उस पर वायरल हुआ, तो 9 वीडियो ऑटोमेटिक से रैंक करेंगे। तो अगर आपके चैनल पे वीडियोस ही नहीं होंगी तो लोग आपका वीडियो अगर चल भी जाता है तो लोग और वीडियो कहाँ से देखेंगे जब आपके चैनल पे वीडियोस नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप दोनों लोग नीतू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी जागृति मिश्रा, दोनों का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से इनके चैनल को चेकआउट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि एक एक सपोर्ट, एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही मायने रखते हैं। और इनका चैनल मेरे, मैं प्रे करूँगी कि इनका चैनल 1K हो जाए और 1K के बाद इनका चैनल मोनो हो जाए, ताकि मोटिवेट भी हो, क्योंकि ना एक ऐसा चीज़ भी आता है चैनल जिनका होता है उनके मन में कि जब उनके व्यूज़ नहीं आते ना तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि एक दो वीडियो डाला, 4 डाला, 10 डाला, व्यूज़ नहीं आ रहा, छोड़ दो। मेरे भी स्टार्टिंग में यही थे, मैंने 5 व्यूज़ से अपना चैनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो पर मेरे 5 से 7 व्यूज़ थे 3 दिन में। तो आप लोग समझ सकते हो मैंने कितना, मतलब कि मैं कितना मोटिवेट थी उस समय, और मैं उस समय से अभी तक मेरे 14-15 महीने हो गए यूट्यूब पे आए, मैं रेगुलर हूँ, रेगुलर मेरे व्यूज़ आए तो ना आए तो, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ती हूँ। तो काम छोड़ोगे तो आपका एक्सपीरियंस जो गेन हुआ रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका काम करने का तरीका भी बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग रेगुलर रहो, दोनों लोग का लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये रहा फर्स्ट वीडियो में 2 चैनल का प्रमोशन, ऐसे मैं चैनल आगे प्रमोट करती रहूँगी, तो आप लोग रेगुलर रहो, बस यही कहना है। मिलते अपने नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइज, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।